हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ के न्यू चैप्टर के बारे में चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर इस वीडियो में हम इसकी रिवीजन करेंगे और मैं सारे टॉपिक इसके कवर करूंगा सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर की और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एल्कोहल एंड फिनोल सपोज आपके पास हाइड्रोकार्बन है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एच से हाइड्रोकार्बन क्या क्या होते हैं जिनमें होती है स्ट्रेट चेन या ब्रांचिंग हो सकती और बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को आपने ओ OH एच से रिप्लेस कर, तो OH कर दिया तो उसे हम बोलते हैं फिनोल याद रखना एल्कोहल और फिनोल को हम सेपरेटली इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो इन दोनों को सेपरेटली हम स्टडी करते हैं और सपोज अगर आपके पास ओ एच अटैच है बट बेनजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड है ये बट डायरेक्टली अटैच नहीं है सो इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेनजीन रिंग तो इसे हम पढ़ते हैं अंडर एरोमेटिक एल्कोहल नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की इसमें हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें क्या है एक ओ एच ग्रुप अटैच है इसमें भी हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ओ एच बॉन्ड जो कार्बन होना चाहिए एस पी थ्री होना चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे आर ओ एच की जिसमें आर क्या होना चाहिए आर शुड बी ए अल्काइल ग्रुप सो ओ एच इज अटैच टू ए अल्काइल ग्रुप ठीक है जैसे हमारे पास ये है

वो सिंगल बॉन्ड वाले मतलब sp3 कार्बन के साथ अटैच है बट ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन मतलब sp2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसे बोलते हैं हम एलाइलिक एल्कोहल और लास्ट में बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है वेन ओ एच इज अटैच टू एस पी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन एस पी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन के साथ ओ एच OH अटैच है विच इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं हम बेंजाइलिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में नेक्स्ट टाइप है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ओ एच बॉन्ड और कार्बन क्या होना चाहिए एसपी टू हाइब्रेडाइज इसमें हम बात करेंगे विनाइलिक एल्कोहल विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ओ OH एच है डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और एसपी टू कार्बन के साथ अटैच है तो इसे बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल इड्रिक एल्कोहल में क्या होता है दो ओ एच ग्रुप अटैच होते हैं जैसे हमारा ये है इथाइलिन ग्लाइकोल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हमारा क्या होगा तीन ओ एच ग्रुप अटैच होंगे जैसे ये क्या हमारा ग्लिसरॉल नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनोल की क्लासिफिकेशन सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अगर एक ओ एच ग्रुप अटैच है तो इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिन तो इसे हम नॉर्मली फिनॉल कहेंगे अगर सपोज एक तरफ ओ एच अटैच है एक तरफ सी एच थ्रीच है सेकेंड पोजिशन पे तो इसे बोलते हैं टू मिथाइल फिनॉल और ऑर्थो इसे क्रिसोल भी कहते हैं अगर सी एस थ्री वन थ्री पोजिशन पे होता तो इसे बोलते हैं मेटा क्रिसोल वन फोर पे होता तो पैरा क्रिसोल अगर हमारे पास दो ओ एच ग्रुप अटैच है तो इसे ड्राई हाइड्रिक फिन में हम कंसिडर करते हैं जैसे वन टू पोजिशन पे है तो इसे बोलते हैं कैटिकॉल वन थ्री पोजिशन पे इसे बोलते हैं रिसोरसिनॉल एंड वन फोर पोजिशन पे क्वीनॉल और पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है ओ OH एच दो से ज्यादा प्रेजेंट है तो तीन ओ एच OH प्रेजेंट है वन टू फोर पोजिशन पे तो इसे बोलते हैं हम हाइड्रो क्वीनॉल नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमन क्लेचर ऑफ एल्कोहल इसमें हम कॉमन नेम एंड आयोपेक नेम की बात करेंगे सबसे पहले अगर तीन कार्बन अटैच है ओ के साथ स्ट्रेट चेन में तो इसे हम बोलते हैं एन प्रोपाइल एल्कोहल और आयोपेक नेम हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल अगर तीन कार्बन के सेंटर कार्बन पे ओएच एच अटैच है अगर सेंटर कार्बन पे ओएच एच अटैच है तो इसे बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल अगर चार कार्बन की चेन है ओएच एच अटैच है तो इसे बोलेंगे एन ब्यूटाइल एल्कोहल और ब्यूटेन वन ऑल अगर चार कार्बन की चेन है और सेकेंड कार्बन पे ओ अटैच है तो याद रखना ये कार्बन हो जाता है अल्फा कार्बन इसके साथ हमारे दो आर ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल तो ये बन जाता है हमारा सेकेंडरी एल एल्कोहल सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल और ब्यूटेन टू ऑर अगर हम इसकी ब्रांचिंग कर लेते हैं चार कार्बन की चेन की साइड वाले कार्बन पे ओ एच अटैच करते हैं तो इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल बुटाइल एल्कोहल और टू मिथाइल प्रोपेनॉल और अगर आपने सेंटर कार्बन के साथ ओ एच अटैच कर दिया तो क्या होगा इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ तीन आर ग्रुप अटैच है तो इसे बोलते टर्श्री ब्यूटाइल एल्कोहल और टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हमारे पास मिथनॉल है द बॉन्ड एंगल इज लेस देन द टेट्रा एंगल अगर बॉन्ड एंगल की बात करें सी ओ एच की ये हीड्रल बॉन्ड एंगल वो जो हमारा 109.5 होता है उससे कम है ये 108.9 है ऐसा क्यों होता है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपल्शन कॉज करते हैं एज ए रिजल्ट बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है कम हो जाता है मिथेनॉल में नेक्स्ट अगर हम बात करें फिनॉल की Phenol में क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें अंदर जाते हैं कहते हैं प्लस आर इफेक्ट एज ए रिजल्ट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल इसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स

जो वाटर है इसमें जब H+ होता है, तो हमारा एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाता है अब ये जो एच थ्री ओ प्लस है वो एल्किन सपोज हमने इथिन लिया उस पर अटैक करता है क्या होता है इसमें सबसे पहले ये जो H+ है वो क्या करता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन को दे देता है हमारा वाटर रिलीज हो जाता है और ये जो एच है वो क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है किसी कार्बन पे अटैक करता है और उसके इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा सो एज रिजल्ट क्या होगा एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और इस कार्बन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए यहां पे हमारा बन गया कार्बो नेक्स्ट क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकोटाइन अब कार्बोकोटाइन पे क्या होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वॉटर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस पर अटैक करता है यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये स्पीशीज हमारी बन जाएगी और लास्ट स्टेप में क्या होता है डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल अनदर वाटर मॉलिक्यूल आता है वो क्या करता है H प्लस अपनी तरफ खींच लेता है एच थ्री ओ प्लस बनाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन पे चले जाते हैं रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन में बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सबसे पहले हम प्रोपीन लेंगे हम इसमें डाई बोरेन क्या करते हैं ऐड करते हैं हमारा बन जाता है ट्राई प्रोपाइल बोरेन ठीक है ट्राई प्रोपाइल बोरेन जो है इसको हम क्या करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन पेंस ऑफ एच टू ओ टू ओ एच नेगेटिव एंड वाटर हमारा बन जाता है एल्कोहल विच इज प्रोपेनॉल प्लस बोरिक एसिड इस फॉर्म अगर इंपॉर्टेंट बात देखें इसमें जो एडिशन होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एंटी प्रिंसिपल मतलब जो ओ एच नेगेटिव है वो उस कार्बन पे अटैच हो रहा है विच मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ओ OH एच पे अटैच हो रहा है एच यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारा बन जाएगा प्रोपेन वन ऑल नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल है हमारा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या कर सकते हो आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ बैटल कैटलिस्ट लाइक निकल प्लेटिनम प्लेटिनम और आप यूज कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट एन ए बी एच फोर और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबसे पहले सपोज आपके पास एल है आप क्या कर सकते हो रिडक्शन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल मेटल के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा प्राइमरी एल्कोहल और अगर आप कोई भी दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो आपका बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल सिमिलरली अगर आपने कीटोन किया हुआ है अगर आप मेटल ऐड मेटल के साथ हाइड्रोजन ऐड करते हो तो आपका बन जाता है सेकेंडरी एल्कोहल रिडक्शन हो जाती है और अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्मीनियम हाइड्रेट लिया तब भी आपका क्या बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम कीटोन नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट और वाटर के साथ ये याद रखना बनाता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल विच इज आर सी एच टू ओ एच बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट हम ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करते इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट और ये प्रिपेयर करते हैं इससे हम कुछ स्पेशल केमिकल तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में एल्कोहल बनाना है एसिड से तो सबसे पहले आप क्या करते हो एसिड को किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एच प्लस और ये बना देता है हमारा एस्टर

एनी अदर आपके पास एल है तो सेकेंडरी एल्कोहल और अगर आपके पास कीटोन है तो आप बनाओगे टर्स एल्होहल सपोज आपके पास फॉर्मल है इसमें क्या होता है ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिमिलरली अगर ग्रीगनोट रिएजेंट लिया आर पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीशियम क्या है मेटल है तो क्या होगा जो आर है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है एम के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा ठीक है कार्बन के साथ R और O के साथ एम जुड़ गया अब वाटर के साथ आप रिएक्शन करते हो तो जो O है वाटर के H+ प्लस ले लेता है और एम जी OH के साथ जुड़ जाता है तो ओ एच यहाँ पे आ जाता है हमारा हमारा बनता है प्राइमरी एल्कोहल साथ में एम जी ओ एच एक्स बनता है सिमिलरली अगर आपने एल्डीहाइड लिया हुआ है तो ये आर क्या है कोई अदर एनी अदर एल्डीहाइड आर सी के साथ जुड़ जाएगा हमारा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा ओ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल सिमिलरली अगर आपने कीटोन लिया हुआ आर सी ओ आर तो आर डैश क्या है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे तीन आर आ जाएंगे ओ एम जी एक्स वाटर के साथ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एल्कोहल नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल सबसे पहले फ्रॉम हेलो एरिन सपोज आपके पास क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन को एनएओएच सिक्स ट्वेंटी और थ्री हंड्रेड एटमोसफेयर में जब आप रिएक्ट करते हो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड एच के साथ रिएक्ट करके हमारा बन जाता है फिनॉल नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं बेंजीन प्लस ओलियम ओलियम होता है एच टू एस टू ओ सेवन तो बेंजीन पे एस ओ थ्री एच ग्रुप अटैच हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सिमिलर स्टेप्स हम करते हैं एनएच के साथ हमारा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और एच सी एल के साथ हमारा बन जाएगा फिनॉल थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास एनेलिन है एनलिन को आप एन ए एन ओ टू एच सी एल के साथ रिएक्ट करोगे जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन के साथ एन टू प्लस सी एल नेगेटिव जुड़ जाएगा और जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आपका बन जाएगा फिनोल, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर इज रिलीज नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूमीन की इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मतलब आइसोप्रोपाइल पोजीशन पे बेंजीन अटैच है हम एयर के साथ रिएक्ट करते हैं एयर का जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ सिंगल सिंगल ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बन जाएंगे और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा क्यूमीन पर ऑक्साइड जब आप एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ आप इसे हीट करते हो तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे एक प्रोडक्ट में क्या होता है ये जो कंपाउंड है ये सेपरेट हो जाता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये एसिटोन बनता है और साथ में ओ एच इसके साथ जुड़ जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट याद रखना बॉलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बॉलिकुलर मास के जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे मॉलिकुलर इंक्रीज होता है और याद रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज इंक्रीज होने से पॉइंट होता है और बॉलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के जैसे आप ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे सरफेस एरिया क्या होता है डिक्रीज होता है सरफेस एरिया डिक्रीज होने से बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है सपोज आपने एल्कोल और फिनोल लिया है इसे हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन ईथर हेलो एरन ऑफ कंपेयरेबल मॉलिकुलर मास के तो याद रखना एल्कोल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू दैम ऐसा क्यों होता है क्योंकि दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोल खुद के साथ कंबाइन हो सकता है फिनोल खुद के साथ कंबाइन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड से एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज हो जाता है अगर नेक्स्ट बात करेंगे हम सोलिबिलिटी की एलकोल एंड फिनोल जो है वाटर में सोलुबल है इसलिए सोलुबल है क्योंकि वाटर के साथ बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है अगर आप आर ग्रुप का ग्रुप और एराइल ग्रुप का साइज इंक्रीज करोगे सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि जो ये एल्काइल होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एज ए रिजल्ट सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज नेक्स्ट हम बात करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड क्या होता है ब्रेक हो जाता है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल एल्कोहल और फिनोल जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम के साथ एज ए रिजल्ट वो क्या बना देगा जो एल्कोहल है वो एल्कोक्साइड बना देगा और फिनॉल बना देगा फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज तो याद रखना जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो तभी हम बोल रहे हैं इसकी एसिडिटी सपोज आपके पास मिथेनॉल है सोडियम के साथ रिएक्ट किया हमारा बन जाता है सोडियम मिथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज सिमिलरली जो फिनॉल है अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज अब जो फिनॉल है वो एक्वस एन एच के साथ अल्कली के साथ भी रिएक्ट कर सकता है तो फिनॉल अल्कली के साथ रिएक्ट करके बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर तो ये हमारा हो जाता है एसिड प्लस बेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर और ये रिएक्शन सिर्फ फिनॉल देता है नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स याद रखना एल्कोहल की एसिडिटी होती है बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉड ऑक्सीजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और जितना ज्यादा पोलैरिटी होता है उतना ज्यादा एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है इंक्रीज होता है अब याद रखना एल्कोहल में हमारा आर ग्रुप अटैच होता है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है द कार्बन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं सो एज ए रिजल्ट ओवरऑल इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और एज ए रिजल्ट क्या होता है पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है और अगर पोलैरिटी डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है डिक्रीज होती है अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बात करेंगे टर्शरी तीन जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ये इंक्रीज करेगा और पोलैरिटी ये सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा सो एज़ ए रिजल्ट प्राइमरी इज मोस्ट एसिडिक नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर को अगर हम एल्कोहल से कंपेयर करें तो वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल ऐसा क्यों होता है क्योंकि वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो पोलैरिटी वाटर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल्स जो फिनोल्स होते हैं वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं सपोज आपके पास एल्कोहल है इसमें जो कार्बन होता है वो होता है sp3 कार्बन और फिनोल में होता है sp2 कार्बन sp3 कार्बन जो होता है इसमें s करेक्टर्स क्या होता है कम होता है 25% फाइव एज रिजल्ट ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसमें एस करेक्टर ज़्यादा होता है थर्टी तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोल अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से क्या होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है पोलैरिटी इंक्रीज होती है ओ एच बॉन्ड की और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द एनआइन अगर हमने एल्कोहल में से एच रिमूव कर दिया तो हमारा क्या बन जाता है एल्कोक्साइड फॉरवर्ड रिएक्शन में एल्कोक्साइड बन जाएगा सिमिलरली अगर फिनोल में से आपने एच रिमूव कर दिया तो आपका बन जाता है फिनोक्साइड जितनी ज़्यादा आयन स्टेबल होगी उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और उतना ईजिली क्या होगा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो एलक ऑक्साइड में क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज है इट इज लोकलाइज सिर्फ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है सो so, एज एल ए रिजल्ट एल्कॉक्साइड उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते बट फिनॉक्साइड में क्या होता है ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करता है इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन और ये होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होती है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और ये ज़्यादा एसिडिक होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ सब्सिट्यूटेड फिनोल सपोज आपने फिनोल में सब्सिट्यूशन किया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का फिनोल के साथ आपने एनो टू अटैच किया जो एनओ टू है वो क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की वजह से याद रखना ओ OH एच की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप की सब्सिट्यूशन से याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है इंक्रीज़ होती है सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पोलैरिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड पोलैरिटी की क्या करेगा डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एस्ट्रिकेशन एल्कोहल और जो फिनोल है वो रिएक्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये बनाते हैं हमारे एस्टर ठीक है सपोज आपने क्या लिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड लिया एल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपका बन जाएगा आर सीओ आर डैश विच इज एस्टर प्लस वाटर इज रिलीज आप इस रिएक्शन में क्या करोगे वाटर को रिमूव कर दोगे वाटर को रिमूव कर दोगे तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट को आप रिएक्ट कर सकते हो एसिड एंड हाइड्राइट के साथ अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपका बन जाएगा एस्टर आर सी आर डैश और साथ में आपका एसिड विल बी फॉर्म नेक्स्ट अगर हमने एल्कोहल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया हम ये रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन पायरेडीन एक बेस है हमारा बन जाएगा एस्टर में क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप सी एस थ्री सीओ ग्रुप हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एसिटाइलेशन सपोज यहाँ पे हमारा क्या है Acid, और तो भी कहते हैं इसे हमने इसे रिएक्ट किया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ठीक है अब क्या होगा सी एच थ्री सी ओ जो ग्रुप है वो ओ OH एच के साथ रिएक्ट करेगा ये सी एच थ्री सी ओ ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा ओ एच के साथ रिएक्ट करके एस्टिफिकेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी और साथ में सी एच सी ओ एच यहाँ पे अटैच है और ये जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा इसे हम बोलते हैं एसिटाइल सेलिसिक एसिड प्लस सी एस थ्री सी ओ एच इस फॉर्म और ये जो एसिटाइल सैलिसलिक एसिड है इससे एस्पिरिन जो मेडिसिन के लिए यूज होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज इनवॉल्विंग सीओ बॉन्ड बॉन्ड का ब्रेक होने से जो रिएक्शन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे इसमें सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइट एल्कोहल को हाइड्रोजन के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो आपका एल्काइल हेलाइट प्लस वाटर बनता है इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है हमारा लूकास टेस्ट लूकास टेस्ट में क्या होता है आप एल्कोहल लेते हो और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है हमारा लूकास रिएजेंट वो होता है कॉन्सेंट एच सी एल और एनहाइड्रीएल टू तो जैसे ही ल्लूकास रिएजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल क्लोराइड बनाता है जो क्या होता है इमिसिबल होता है जो डिजॉल्व नहीं करता और उसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है और उसे हम बोलते हैं टर्बिट ठीक है अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को जो टर्शरी एल्कोहल है वो टर्बिडिटी इमीडिएटली शो कर देता है ठीक है और जो सेकेंडरी एल्कोहल है इट विल शो टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम और जो प्राइमरी एल्कोहल है इट विल नॉट शो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद द फॉसफोरस ट्राई हेलाइड एल्कोहल को फॉसफोरस ट्राई हेलाइट के साथ आप रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा प्लस हमारा होगा फॉसफोरस एसिड और एक्स हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन डिहाइड्रेशन थर्ड रिएक्शन है हमारी इसमें क्या होता है जो एल्कोहल है वो ईजिली क्या शो कर सकते हैं डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव हो सकता है और वो क्या बना सकते हैं एल्कीन बना सकते हैं इसके लिए या तो आप ले सकते हो प्रोटिक एसिड प्रोटिक एसिड मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर पाए जैसे एच टू एस ओ फोर और एच थ्री पीओ फोर एच थ्री पी ओ फोर होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड और आप कैटलिस्ट ले सकते हो एनहाइड्रोज एडेंट ठीक है अब आपके पास सपोज इथेनॉल है और ये प्राइमरी एल्कोहल है इसको अगर आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आप लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एट फोर फोर्टी थ्री कैलविन फोर फोर्टी थ्री कैलविन पे ये एल्कीन मतलब इथिन बना देगा प्लस वाटर इज रिलीज अब जैसे अगर आपको सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो आपको चाहिए माइल्ड कंडीशन आपको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए आप वीक एसिड में भी बना सकते हो तो सपोज आपके पास आइसोप्रोफाइल एल्कोहल हैल्कोहल तो आप 85 फाइव परसेंट फॉस्फोरिक एसिड जो वीक एसिड है एट 440 फोर्टी कैलविन पे आप बना सकते हो प्रोपीन एंड वाटर रिलीज सिमिलरली जो टर्सरी एल्कोहल है वो और इजिली क्या बना सकता है एल्कीन बना सकता है अगर आप उसको सिर्फ 20 परसेंट एसिड एंड 358 फिफ्टी पे हीट करते हो तो आपका बन जाता है एल्किन विच इज टू मिथाइल प्रोपीन तो ये याद रखना ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी प्राइमरी नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल सपोज आपने इथेनॉल लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एच प्लस और ये स्टेप होता है फास्ट अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के वो एच को एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए रिजल्ट क्या होगा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके साथ एच जुड़ जाएगा इसे बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल और इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आईन सेकेंड स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा और सी एच टू पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज हमारा बन जाएगा इथाइल कार्बोकेटाइन याद रखना ये जो स्लो स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है थर्ड स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथिन बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन अब क्या होगा यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने देख के एच प्लस क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा तो जो हमने लिया था एच प्लस वापिस मिल गया और यहाँ पे बन जाएगा हमारा इथिन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो याद रखना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है इज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बॉन्ड जो OH bond है ये ब्रेक होता है एंड सी एच बॉन्ड इज ऑल्सो ब्रोकन ठीक है तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है सो देर इज ए लॉस ऑफ हाइड्रोजन एच टू सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस डी हाइड्रोजिनेशन सबसे पहले अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है और अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाई टू सी आर टू ओ सेवन इन एसिडिक मीडियम इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो याद रखना प्राइमरी एल्कोहल बना देता है कार्बोक्सिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है लाइक एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री तो वो क्या करता है प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है अब, CRO3 आप सीआर थ्री की जगह आप पीसीसी भी ले सकते हो दिस इज कॉल्ड एज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये क्या होता है सीआर पायरिडीन एच सी तो अगर आपके पास एल्कोहल है पीसीसी क्या कर देता है इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्टीहाइड और एक इंपॉर्टेंट बात पीसीसी की डबल बॉन्ड जो है वो इसके साथ इंटरफेयर नहीं करता अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो सेकेंडरी एल्कोहल में भी क्या होता है अगर आप सी आर ओ थ्री के साथ रिएक्ट करो तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर आपके पास टर्शरी एल्कोहल है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है और आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ एसिड नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन सपोज आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है आपने कॉपर एट 573 पे क्या किया है कैलविन पे इसको हीट किया तो हाइड्रोजन क्या होता है रिमूव हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल सिमिलरली अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या बनता है हमारा कॉपर एट फाइव सेवेंटी हमें किटोन दे देता है बट इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल में हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता अगर कॉपर 573 में अगर आप हीट करते हो तो याद रखना इसमें डिहाइड्रेशन होता है और साथ में आपका बन जाता है एल्कीन नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल्स रिएक्शन ऑफ फिनोल्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटन फिनोल में क्या होता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग के अंदर मूव करता है बेंजीन रिंग के अंदर मूव करने से याद रखना ये शो करता है प्लस आर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और, और पैरा पैरापोजिशन पे इंक्रीज हो जाती है सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैक करता है तो हम इसे बोलते हैं फिनॉल को ऑर्थो तो पैरा डायरेक्टिंग सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रेशन की नाइट्रेशन हम करेंगे सपोज आपके पास डाइल्यूट एच थ्री है एट लो टेम्परेचर विच इज टू नाइनटी एट तो याद रखना मोनो सब्सिट्यूशन हो जाएगा एनओ टू अटैच हो जाएगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा पोजिशन पे पैरा नाइट्रोफिनोल अगर आपने लिया कॉन्सेंट्रेटेड एच एन थ्री तो ट्राइ और सब्सिट्यूशन हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राई इज कॉल्ड एज एसिड अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है एंड पैरा नाइट्रोफिनोल है इसे हम क्या कर सकते हैं डिस्टिलेशन कर सकते हैं मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन्हें सेपरेट कर सकते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये स्टीम वोलेटाइल होता है मतलब क्या ये खुद के साथ क्या बनाता है इसका एनओ NO का ऑक्सीजन और ओ OH का हाइड्रोजन खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सो दे फॉर्म इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट रहते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है तो ईजिली क्या होता है ये वॉलटाइल होता है स्टीम वॉलटाइल वेयर स पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होता है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सो so, इनका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है सो so, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप ऑर्थो पैरा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट कर सकते हो नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलोजिनेशन की हेलोजिनेशन में हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन सपोज आपने ब्रोमिन लिया विथ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी कम है कार्बन सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म और सी एस टू कार्बन डाइसल्फाइड अगर आपने दोनों की प्रेजेंस में ब्रोमीन ऐड किया तो याद रखना ब्रोमीन की हो जाती है मोनो सब्सिट्यूशन ये ऐड हो जाता है ऑर्थो तो पैरा पोजिशन पे रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल याद रखना जो ऑर्थो होता है माइनर बनता है और पैरा मेजर बनता है सिमिलरली अगर आपने ब्रोमीन वाटर में लिया होता है उसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर तो क्या होता है जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाता है हमारा दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल और हमारा बनता है वाइट प्रेसिपिटेट अगर हम बात करें ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड जो ब्रोमीन है वो पोलराइज हो जाता है मतलब ब्रोमीन से आपको बी आर प्लस मिल जाता है इन एबसेंस ऑफ लुइस एसिड ऐसा क्यों होता है क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ ओ एच जो ओ OH एच है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी औरतों पैरा पोजिशन पर इंक्रीज कर देते हैं उसे बोलते हैं हम एक्टिवेटिंग इफेक्ट उसकी वजह से क्या होता है जो ब्रोमीन है वो खुद ही क्या हो जाता है पोलराइज हो जाता है नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन फिनोल को आप एनओ के साथ रिएक्ट करते हो आपका बनता है सोडियम फिनोक्साइड CO2 और H+ के साथ याद रखना CO2 क्या होता है ऑर्थो पोजिशन पे अटैच हो जाता है और हमारा बन जाता है टू बेंजोइक एसिड और ऑल्सो कॉल्ड एज सेलिस एसिड अब याद रखना फिनोक्साइड अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन हमने फिनोल को पहले फिनोक्साइड में कन्वर्ट किया उसके बाद हमने CO2 अटैच किया ऐसा क्यों किया क्योंकि CO2 इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल है और जो फिनॉक्साइड है वो फिनोल से ज्यादा क्या होता है एक्टिवेटिंग होता है मतलब जो फिनॉक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑर्थो पे ज्यादा इंक्रीज करता है सो एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन है ईजिली हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे राइमर टाइम रिएक्शन की इसमें हमने क्या लिया फिनोल लिया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एन तो याद रखना हमारा सी एच सी एल टू ऑर्थो पोजिशन पर अटैच हो जाता है एन एच की प्रेजेंस में हमारा बन जाता है फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट बना आप एन के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना यहाँ पे ओ एन ए यहाँ पे बन जाता है हमारा एल डी हाइड सी एच ओ और एच प्लस की प्रेजेंस में एन ए की जगह क्या होता है ओ OH एच आ जाता है यहां पे और सी एच ओ इसे हम बोलते हैं और तो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड और ऑल्सो कॉल्ड एज सेलिसल डिहाइड नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विथ जिंक डस्ट फिनॉल को जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना आपको बेंजीन मिल जाता है प्लस जेड एन ओ नेट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की फिनॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो एन ए टू सी आर टू ओ सेवन एन एस टू एस ओ फोर की तो हमें मिल जाता है डेंजो क्विन नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल की सबसे पहले हम बात करेंगे मिथेनॉ की मिथेनलॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं क्योंकि ये बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से अगर हम इसे प्रिपेयर करना चाहें तो हम कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन इन प्राइस ऑफ जेड एनो सी आर टू ओ थ्री प्रेशर होगा टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड और टेम्परेचर होगा फाइव सेवेंटी थ्री टू सिक्स सेवेंटी थ्री हमारा बन जाएगा जो मिथेनॉ होता है वो क्या होता है कलरलेस होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है थ्री थर्टी सेवन कैलवीन और इट इज वेरी हाईली पॉइजनस इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी अगर किसने ले लिया है तो उसको क्या हो सकता है ब्लाइंडलेस हो सकता है और लार्ज क्वांटिटी कैन बी वेरी फेटल डेथ हो सकती है पर्सन की अगर हम यूज की बात करें इट इज यूज एज ए सॉल्वेंट पेंट के सॉलवेंट के लिए यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल डिहाइड नेक्स्ट हम बात करेंगे इथेनॉल की इथेनॉल जो है वो बनता है बाय फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर फॉर्मेंटेशन एक एनोरोबिक प्रोसेस है इसमें सपोज आपने सुक्रोज लिया वाटर के साथ रिएक्ट किया इनजाइम लगता है इन्वर्टेज हमें ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिल जाएगा ठीक है ग्लूकोस और फ्रक्टोस को आप जाइमेज के साथ रिएक्ट कर सकते हो ये जो जाइमेज है ये हमारा फर्मेंटेशन करता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल प्लस सीओ टू ठीक है अब याद रखना यह कलरलेस हो, होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है थ्री फिफ्टी वन कैलबिन और इट इज हार्मफुल फॉर अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूजेस इट इज यूज इन ए पेंट इंडस्ट्री सॉल्वेंट की तरह और वाइन मेकिंग में भी यूजफुल होता है और हम चाहते हैं जो कमर्शियल एल्कोहल है उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कमर्शियल एल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए हम कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं जो उसको कलर देता है और पायरेडीन ऐड करते हैं पायरेडीन देता है उसको फॉल स्मेल और इस एल्कोहल को बोलते हैं हम डी नेचर एल्कोहल नेक्स्ट हम बात करेंगे ईथर की ईथर क्या होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय ओ ग्रुप सपोज आपके पास हाइड्रोकार्बन है आर एच इसमें आपने हाइड्रोजन को ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो हमारा बन जाता है सबसे पहले सिंपल और सिमिट्रिकल सेम एल्काइल और अराइल ग्रुप आर अटैच टू तो द ऑक्सीजन एटम सपोज हमारे पास ऑक्सीजन एटम है इसमें सी एच थ्री सी एच थ्री ग्रुप अटैच है इसका कॉमन नेम क्या होगा दो मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसे बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर सिमिलरली बेनजीन अटैच है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ और याद रखना जब बेंजीन को सब्सिडेंट के नाम पे लिखते हैं कॉमन नेम में तो लिखते हैं डाई ईथर उसे फिनाइल लिखते हैं नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर इसमें क्या होता है डिफरेंट एल्काइल और अराइल ग्रुप क्या होते हैं अटैच होते हैं ऑक्सीजन है, एटम में सपोज ऑक्सीजन के साथ बेंजीन और सी अटैच है तो दोनों हमारे सबसे डिफरेंट है तो हम इनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे पहले आएगा मिथाइल फिर फिनाइल ईथर सिमिलरली हमारे पास इथाइल और मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मल की सपोज हमें दोनों ग्रुप सेम दिए हुए हैं तो आयोपेक नेम क्या होगा तो एक को हम ऑक्सी लगा देते हैं ये हो जाएगा जैसे इथॉक्सी और दूसरे को लिख देंगे इथेन अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसके साथ आप ऑक्सी लगा दोगे तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारा आयोपेक नेम मिथॉक्सी बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर में क्या होता है बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 बट इसमें क्या होता है जो सी एस थ्री सी एस थ्री ग्रुप है वो क्या है बल्कि ग्रुप है और इनके बीच में क्या हो जाती है रिपल्शन हो जाती है दोनों में क्या होता है दे इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ ईथर सबसे पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल सपोज आपने इथेनॉल लिया हुआ है में में 413 में, जब आप इसको हीट करते हो तो आपका मन जाएगा इथॉक्सी इथेन एंड वाटर और ये फॉलो करता है मैकेनिज्म 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 की बात करेंगे सबसे पहले इसमें स्टेप वन देखेंगे सबसे पहले क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल जो एल्कोहल है उसके ऑक्सीजन पे क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करता है H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारा बनता है ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसे बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल सेकंड स्टेप क्या है अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल तो एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे अटैक करेगा ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन पे अटैक करेंगे और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे ये एस एन टू मकैनिज्म से हो रहा है इसका मतलब क्या है एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो रहा है दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है पहला वाटर न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो रहा है और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और लास्ट स्टेप में क्या होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईथर प्लस एच प्लस इज रिलीज अब ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ प्राइमरी हैल्कोहल देते हैं अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल लोगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं और उसकी वजह से आपका बन जाएगा एल्कीन सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर है हमारा विलियमसन सिंथेसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें क्या कर सकते हो आप सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर आप दोनों प्रिपेयर कर सकते हो लाइट को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जो ईथर बनाता है सो आर एक्स एलकाइल हेलाइट है आर ओ एन ए साथ विध इज सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करते हो आपका आर ओ आर बनता है अब इस रिएक्शन में याद रखना आप हमेशा लेते हो प्राइमरी एल्काइल हेलाइट अगर आप प्राइमरी एल्काइल हेलाइड लेते हो तभी हमारा एसन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल होता है तभी हमारा ईथर बनेगा सपोज हमने क्या लिया अल्काइल हेलाइड विच इज CH3Br हमने लिया ये तो प्राइमरी है हम क्या कर सकते हैं जो एल्कोक्साइड है आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी ले सकते हो हमने यहाँ पे टर्सरी ले लिया सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड अब क्या होगा ये ऐसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से बी को रिमूव कर देगा तो हमारा क्या हो रहा है एस अटैक हो रहा है एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल से ब्रेक हो रहा है और हमारा बन जाएगा ईथर ये मिक्सड ईथर बना टर्श्री ब्यूटाइल मिथाइल ईथर तो इसमें हमारा बन गया वेन यू हैव टेकन प्राइमरी एलकाइल हेलाइट सपोज आपने लिया होता सेकेंडरी एंड टर्स एल्काइल हेलाइट सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया टर्शी एलकाइल हेलाइट और मैंने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया है प्राइमरी विच इज सोडियम हिथॉक्साइड अब क्या होगा सपोज ये जब ओ अटैक करेगा तो इसके पास कोई जगह नहीं है कि वो कार्बन के साथ जुड़ पाए क्यों क्योंकि हर जगह से यहाँ सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री पी आर ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है जो ओ को क्या कर देंगे रिपेल करेंगे एज ए रिजल्ट जो ओ होगा वो क्या करेगा किसी कार्बन का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा ये क्या करेगा एज ए बेस काम करेगा बना लेगा सी एस थ्री ओ एच तो जैसे H प्लस इसने रिमूव कर लिया एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारा बन जाएगा एल्किन विच इज टू मिथाइल प्रोपीन तो याद रखना ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हेलाइट देते हैं नेक्स्ट अगर आपने क्या लिया हो फोल लिया हुआ यू एच के साथ रिएक्ट करते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है अब ये जो फिनॉक्साइड का ऑक्सीजन है वो क्या करेगा आर पे अटैक करेगा ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइट होगा हमारा बना जाएगा ये इथन नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की सबसे पहले दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर और याद रखना इसका स्ट्रक्चर बैंड होता है तो सीओ जो बॉन्ड होता है ईथर में वो क्या होता है पोलर होता है बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि इसकी पोलैरिटी इज़ इस वेरी वीक सो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन एल्कोहल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज ए रिजल्ट क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अगर हम बात करें सॉलुबिलिटी की दे आर सॉलुबल इन वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाटर के साथ ईथर क्या बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड सो दैट्स वाई इट इज सॉलुबल इन वाटर नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड सपोज आपके पास ईथर है आपने हाइड्रोजन हेलाइट के साथ रेड किया तो आपका बन जाएगा एक आर कंबाइन हो जाएगा ओ OH एच बना देगा आर ओ और एक बना देगा हमारा एल्काइल हेलाइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा एच रिएक्टिव होगा और सबसे कम एच क्योंकि एच का बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो सकता है अगर हम बात करें इन केस ऑफ मिक्सड ईथर तो हम देखेंगे कौन सा आर ग्रुप एल्कोहल बनाएगा और कौन सा आर ग्रुप एल्काइल हेलाइट बनाएगा ये हम कैसे पता करेंगे सपोज आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी आर ग्रुप प्रेजेंट है ईथर में ठीक है तो जो स्मॉल आर ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा एलकाइल हेलाइट अकॉर्डिंग टू एस एन टू रिएक्शन सपोज आपके पास क्या है ईथर है जहां पे एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल ग्रुप है तो एच आई का जो आई नेगेटिव है वो उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक कम है अकॉर्डिंग टू एस एन टू रिएक्शन स्टेरिक कम है सीएस थ्री पे तो आई पे अटैक करेगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा हमें बनेगा सी एच थ्री आई सी एच थ्री ओ एच सिमिलरली आपने यहां पे सेकेंडरी ग्रुप डाला प्राइमरी ग्रुप डाला Again, हम SN2 में जहां स्टेरिक हिंड्रेस कम है आई वहां पे अटैक करेगा सी एच थ्री बनेगा सी एच थ्री आई और एच इसके साथ जुड़ के बना देगा एस एन वन मैके स्टेबल होता है तो यह दो स्टेप में होता है इसमें एक तरफ आपने प्राइमरी लिया एक तरफ टर्सरी तो सबसे पहले

नेक्स्ट सपोज आपके पास क्या है एनिसोल है एनिसोल को आप एच आई के साथ रिएक्ट करते हो तो हमेशा क्या होता है जो आई है वो सी थ्री के साथ कंबाइन कर जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी थ्री आई और हमारा बनता है फिनोल ऐसा क्यों होता है कि हमारा ओ सी थ्री बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है वीक होता है तो आई ईजिली क्या कर सकता है सी थ्री के साथ अटैच कर सकता है बट आई कभी भी फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो ओ और सी सिक्स एच फाइव का जो ये बॉन्ड है इस कार्बन का वो क्या है सबसे पहले तो एस पी टू कार्बन है और इसमें क्या होता है रेजोनेंस होता है रेजोनेंस होने की वजह से याद रखना इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है और आपका हमेशा क्या बनता है फिनॉल प्लस सी एच थ्री आई नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो अगर आपके पास क्या है बेंजीन है और अटैच है इसमें ईथर है तो इसमें क्या हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग के अंदर मूव करेंगे ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएंगी सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन में पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन। सपोज आपके पास एनिसोल है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इथनोइक एसिड तो बी आर प्लस अटैच हो जाता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर हमारा बनेगा ब्रोमो एनिसोल ब्रोमो एनिसोल और याद रखना जो पैरा होता है हमेशा वो मेजर क्वान्टिटी में बनता है सिमिलरली अगर हम Craft reaction लेके इसे बोलते हैं हम सबसे पहले तो अटैच हो जाएगा आपका बनेगा टू मिथॉक्सी टॉलिन और फोर मिथॉक्सी टॉलिन सिमिलरली एसाइलेशन में क्या होता है हम अगेन एनिसोल लेंगे सी एस थ्री सी ओ सी एल जो सी एस थ्री सी ओ प्लस है वो क्या करेगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा हमारा बनेगा टू मिथॉक्सी एस्टोफिनोन और फोर मिथॉक्सी एस्टोफिनोल और याद रखना पैरा मेजर क्वांटिटी में बनेगा और लास्ट है हमारा नाइट्रेशन आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले सकते हो एच एनओ थ्री एच टू एसओ फोर तो एनओ टू अटैच हो जाएगा और तो पैरा पे हमारा बनेगा टू नाइट्रो एनिसोल और फोर नाइट्रो एनिस आई होप आपको एल्कोहल फिनोल ईथर समझ आया हो बाकी चैप्टर्स के मैंने सिमिलर वीडियो बनाए हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप चेक कर सकते हो सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय